बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। तो गाइज़, आज ना बात पता क्या, एक वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि अनास्टमोस ऑन बैक ऑफ थाई, वहाँ पे ट्रोकेंटेरिक और क्रूशिएट अनास्टमोस, जो कि अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, एक आधी जूज 0.5 मार्क्स की आ जाती है, वो अगर आ जाए तो आपने कैसे वो डील करना है। आप सबसे पहले लिखेंगे, हाँ दरमियान में जनाब लिखेंगे ट्रोकेंटेरिक, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, एनास्टमोसिस। नीचे लिखेंगे क्रूशिएट एनास्टमोसिस। ये इन हेडिंग्स के लिए आप अगर मार्कर का इस्तेमाल करें ना, ब्लू मार्कर का, तो कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छा लग जाएगा। तो ट्रोकेंटेरिक एनास्टमोसिस में मैंने वीडियो में बताया था, ऊपर से आ रही होती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और नीचे से आती है जनाब इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, जो होती है ना मीडियल साइड से, वो आती है असेंडिंग ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल, लेटरल साइड से आती है जनाब असेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल, जो कि फेमोरल आर्टरीज की ब्रांचेज हैं। अब ये तो होगा ट्रोकेंटेरिक नास्ट, बस इतना ही है। ये ट्रोकेंटेरिक ट्यूबरकल के बिल्कुल सामने बनता है, जब वो फ्रैक्चर होता है नेक ऑफ द ह्यूमरस, तो ये भी फिर सप्लाई करता है एनास्टमोसिस के थ्रू, ताकि वो नेक्रोसिस ना हो जाए और मसल्स वगैरह को भी। अब क्रूशिएट एनास्टमोसिस बिल्कुल ट्रोकेंटेरिक के नीचे होता है, तो ऊपर से जो है ना, बिल्कुल आपने इसी को फॉलो करना है, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी ना, तो ये इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, नीचे से जनाब है फर्स्ट परफोरेटिंग जो थी ना, वो प्रोफंडा फेमरस की, वो आ गई यहाँ, हाँ इसके इन्फीरियर ग्लूटियल, क्योंकि ये बिल्कुल इसके नीचे है, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इसे लिखेंगे फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, मीडियल साइड से यहाँ पे असेंडिंग थी ब्रांच ऑफ मीडियल से, यहाँ पे आ जाएगी ट्रांसवर्स ब्रांच, आ जाएगी ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल, और इधर इस साइड से आ जाएगी ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल। देखिए, मैंने आपको 3.5 मिनटों में ये सारा बना के दे दिया है, इस तरह करता हूँ। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, अगर कोई गलती हो तो काइंडली बता दीजिएगा, इंसान का तागा पुतला। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक, अपने जो मुझे टॉपिक्स मुश्किल लगते थे, बहुत मुश्किल से मैंने तैयार किए थे, वो आपके लिए आसानी हो, दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। आप भी अगर समझ आ जाए तो किसी आगे शेयर कर दें, ताकि किसी और को भी समझ आ जाए, या अपने तौर पर उसे समझा दिया करें, दूसरों की मदद किया करें। अल्लाह पाक दूसरों की मदद करें, उनकी मुश्किलात आसान करें, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात आसान करेगा। बहुत शुक्रिया, दुरूद पाक पढ़ते रहिएगा, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शुक्रिया।